नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी और आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। RPBT का एग्जाम हुआ और काफ़ी स्टूडेंट आंसर की का इंतजार कर रहे हैं कि आंसर की कब आएगी। अगर अपन RPBT के शेड्यूल के अनुसार बात करें तो RPBT की आंसर की 23 सितंबर को जारी करनी है, यानी आज आपकी आंसर की आ जाएगी। लेकिन फिर भी स्टूडेंट को इंतजार है कि कब तक आएगी, तो मैं आपको बता देता हूँ, आंसर की आपकी 4 PM के बाद आने के चांस हैं। हालांकि इसमें कन्फर्म नहीं है कि 4 PM पर या इसमें 6 PM भी हो सकता है, 8 PM भी हो सकता है, लेकिन यह कन्फर्म है कि आज आपकी आंसर की जारी कर दी जाएगी। अगर आपको आंसर की मिलाने के बावजूद किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो आप 24 सितंबर शाम 5 बजे से पहले उस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें करेक्शन होने की आवश्यकता है, तो आप राजू बास की ऑफिशियल साइट पर मेल कर सकते हैं। अगर उनको रियल में लगा कि आप के द्वारा जो ये इसका ऑप्शन है ये आपने सही बताया, फिर आपका कारण सही लग रहा है, तो उस क्वेश्चन पर विचार किया जाएगा। लास्ट ईयर भी हमने देखा काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें 2 आंसर थे, या फिर क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, या हिंदी में, इंग्लिश में, कुछ XYZ ऐसा कोई भी मैटर था, तो राजू बास ने 10 क्वेश्चनों को परमानेंट डिलीट कर दिया गया था। जो भी नंबरिंग हुई थी वो 680 नंबर में से हुई थी। तो स्टूडेंट, आज आप हमारे साथ बने रहिएगा, जैसे आंसर की आएगी सबसे पहले वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने पेश करेंगे। इसके अलावा नीचे स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर है, अगर RPBT की काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको कोई भी समस्या आए, या फिर व्हाट्सएप पर RPBT का एक ग्रुप बना रखा आप उसमें जुड़ना चाहते हो, तो आप अपना नाम, कहां के रहने वाले और RPBT लिख के हमें सेंड करें, आपको लिंक भेज दी जाएगी। क्योंकि RPBT के साथ साथ मेडिकल के जितने भी कोर्स रहते हैं उसके काउंसलिंग के रिगार्डिंग उसमें जानकारी दी जाएगी। तो स्टूडेंट, आज इंतजार कीजिएगा आंसर की का। जैसे आपकी आंसर की आ जाए, फिर उसके बाद अपन विचार करेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। लाइव सेशन शाम को रखा जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।